बताओ कहिए जेठ जी, आपने इस द्रौपदी को इन मर्दों से भरी सभा में क्यों बुलाया है? आज तो जेठ जी कह रही है, लेकिन मैं तो हमेशा ही जी लगा के बात करती। अगर तू हमेशा जी लगा के बात करती तो तेरे जी की आज ये जी नहीं बनती। बुलाने का कारण बताइए। बुलाने का कारण है कि जिसके लिए तूने अंधे का अंधा कहा था, आज अंधों की महफिल सजी हुई है और ये अंधा दुर्योधन तेरा नाच देखना चाह रहा है। यानी कि आपने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया है? बिल्कुल करवाया है। नहीं बदलवा ली? नहीं। पर इनका तो कलर चेंज हो गया आंखों का। लेंस गिरवाया है, लेंस का। कंजी जैसी आंखें हो गई। कंजी जैसी? कंजी जैसी नहीं है, कंजी ही लगवाई है आंखें। ओहो, हाँ। पहले ब्लैक थी, अब कलर चेंज करा लिया। ये नजदीक और दूर दोनों का लेंस है इसमें। लेकिन जेठ जी, अब इनसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इससे ही तो सब कुछ दिखाई देगा। पहले तो इनमें कुछ शर्म आया थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई। खत्म ही तो करिए, वो जब ही तो बुलाई है तू। अच्छा, हाँ। पूरी शर्म हया होती तुझे बुलाते ही नहीं। तूने जो ताना मारा था अंधे का अंधा, आज तुझे पता लगेगा कि अंधे का अंधा क्या कर सकता है। अंधों की महफिल में आज तेरा जब नंगा नाच होगा। अरे डूब के मर जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में। अच्छा, बहू बेटियों को सभा में बुलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें जरा सी भी? इस बात की अपने पांचों पतियों से बात कर, जिन्होंने जुआ में तुझे भी हरा दिया है। मुझे हरा दिया? हाँ, तुझे दांव पे लगाया गया। मैं तुम्हारी दासी बन गई। बिल्कुल, हमारी मेरे पति हारे हैं, पर मैं तुम्हारी दासी नहीं हुई हूँ। पति हार गए, पति ने तू भी रख दी और तू भी हार गई। अच्छा, कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भरी सभा में दो ठुमके लगा दे। अच्छा, यानी कि तुम कहोगे और मैं नाचूंगी? दासी का मतलब ये होता है, राजा जो आदेश करे उस वो दास को करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार दे दो ठुमका, कहा बिगड़ रहो तेरो। तू चुप रह, तू सासे मैं तुझे गंजा कर दूंगी। मैं जो करो तेरा वक्त खराब है, तेरा भी टाइम ही खराब है। मेरी बात को सुन, देख ले। दिखाइए तू तो सुन मेरी बात, सुना दे। दुर्योधन बेईमान, दुर्योधन है होश में हो का बोल, होश में तू भी होश में। दुर्योधन बेईमान होश में, क्या क्या होता है। अच्छा, दास का मतलब होता है जो मालिक कहे उसे पूरा करे। अच्छा, और ये राजा आदेश कर रहा है, चक्रवर्ती राजा महाराज चक्रवर्ती राजा कहला है। ओए सुन मेरी बात, मैं तेरी एक भी बात मानने वाली नहीं हूँ, तेरे बस की जो ना वो कर ले। हारी पड़ी है, हारी पड़ी है, फिर भी तर 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 जुबान ऐसे चलेगी जबान। अच्छा, नुई खता खा जाएगी ना खाऊ। सुन ले, कह दे को चाहिए मालिक का, दास को चाहिए मालिक का पूरा हुक्म बजावे से। ओस का पानी दुर्योधन ना काम प्यास के आवे से। तेरी इम
दाती कौन करे, तू किस पे आस जमावे थे। पांचो पति ये बजारे ना ढोलक बाजे ने तेरे ही पति है। आलम देख बिचारों की कैसी हो गई। मेरे पांचों पति जिंदा बैठे मत दुर्योधन कर मावे से। मेरे पांचों पति जिंदा बैठे मत दुर्योधन कर मावे से। दासी होके तू दासी होके मत ना जुबा लड़िए तू। दासी होके मत ना जुबा लड़िए तू। दुर्योधन बेईमान दुर्योधन पतियों की औरत है और जो पांच पांच पतियों की औरत होती है वो पतिवर्ता नहीं वेश्या कहा जाता है उसे। जबान को लगाम दे ना तो काट दूंगी तेरी जबान। अच्छा? सुन मेरी बात। सुना। तुम अपने आप को ये कहते हो कि हम क्षत्रिय हैं लेकिन मैं तुम्हें क्षत्रिय नहीं मानती। तेरे मानने से क्या? क्योंकि अब तुम्हारे बस की अस्त्र शस्त्र तलवार करछी भाला उठाना तुम्हारे बस की बात नहीं रही। अब तुम औरतों को सभा में लेके जाओगे और नंगी नचाओगे। अरे जो लोग ऐसा करते हैं ना वो क्षत्रिय नहीं होते वो तो इजड़े होते हैं इजड़े। अरे तू एक इजड़ा है। अरे यो चमचा बैठा यो भी इजड़ा है। दुशासन ज्यादा बोल रही है। ऐसे ही बोलूंगी। चुप रहे इजड़े बोलने की जरूरत नहीं है। तेरा वक्त खराब है अन्नी तो 9 महीने पीछे पता पड़ जाएगी कहा। अरे बात तो अभी ये है कि मेरे पांचों पति खामोश है ना तो जो मेरा पति भीम है ना तुम्हें पटक पटक के मारेगा। भीम की तो नाड़ी नीचे है। अरे हम बताएंगे भीम ने बहरे की बरसी में पहुंचे हलवा खाया और सेड़ सेड़ सोरो कुछ करी अखे। सुन मेरी बात। सुना दे क्या सुन ले। तू पांच पांच के संग रहे तू पांच पांच के संग रहे फिर वेश्या नाम से क्यों डरगी। वेश्या कह के मने बुलावे निविनाश की ओ धरगी। भई तर 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 जीव चले तेरी तर 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 जीव चले या जहरीली नगण बरगी। इज्जत भावे मान ना जाने तेरी आत्मा को मरगी। जांग पे जल्दी आ तोड़ू से पता लग जाएगी टूटेगी कि बैठेगी। देख मैं पहले उछल रहा है देख मेरा इतना सूत को बैठाने तेरा भगत खराब है रहने दे। परी सभा में आज दुर्योधन ऐलान करता है। हाँ। तेरा नंगा नाच होगा। अरे तेरे में ताकत हो ना तो तू नचा के दिखा दे द्रौपदी को। अच्छा हाँ। आ बैठे जांग पे बैठे जांग पे दासी दिल बहलाइए तू। बैठे जांग पे दासी दिल बहलाइए तू। दुर्योधन बेईमान दुर्योधन है मां दुर्योधन बेईमान होश में आइए तू। हो पंचाली नाच के दिखाइए तू। पंचाली नाच के दिखाइए तू। Yeah.
पूरे कुल को ढक ले वरना नंगी की नंगी है। तुझे नंगी तो करना चाह रहे हम, तू करेगा। हाँ। नंगी की तो लड़ाई। ये भरे दरबार में कृपाचारी द्रोणाचारी पिता में भीष्म कर्ण जयद्रथ जितने भी योद्धा बैठे हुए हैं सब तेरा नाच देखने के लिए। अरे इन्हें तो शर्म नहीं रही के बहु बेटियों को सभा में नचाया जा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। बच्चे तो फिर भी हैं, लेकिन जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना ये तो पलक बिना मारने नहीं दे रहे, कब ठुमका लगाएगी पांचाली। एक काम कर, तू ठुमके लगा और मैं तुझे 1100 रुपए दूंगी। ले, राजा थे उल्टी कह रही तो 1100 रुपए और क्या, तू लगा ठुमके। हे बाबलिया की कीमत बहुत हल्की कर दी एकदम 1100 से। हमें तो यहाँ तो लगवा ले, इसे 500 दे दूंगी। ये तो लगवाने वाले है, हम तो तेरे ठुमका देखेंगे जब 5000 फेंकने पड़े। अरे तो भूल में ही मत रहिए तू, आगे कुछ ना होए। अरे तेरे हर ठुमके पे जो भी तेरे बोली के तीर मेरे दिल में लगे हुए हैं ना, ये समझ ले उन घाव पे मरहम लग जाएगा। अभी तो बोली के तीर ही मारे हैं, अभी तो डस और लूंगी तुझे। अच्छा मरेगा तू, अब तो डस तो सही है। सुन ले, सुन ले। सब देखेंगे तू नाचेगी, सब देखेंगे मेरे घाव पे मरहम लग जाएगा। तेरे नाचने से दुर्योधन काली सुविधा जग जागा। तेरी ओढ़ जो बोलेगा हाँ? तेरी ओढ़ जो बोलेगा वो सूढ़ी ऊपर तक जागा। तू कह रो कुल का नाश करेंगे कार तेरा यू ठग जागा। से बार बार देख रही है, देख रही हूँ, देख तो रही है लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हारे बैठे हैं, गर्दन नीचे झुकी हुई है। अरे कुछ तो बोलो, तुम्हें शर्म है नहीं थोड़ी बहुत सुकून की? इसने ही तो रचाया सारा खेल। या का हाथ मत लगाया, मैं गुंजाइश बहुत थोड़ी है, कच्चर निकले। मेरी बात को सुन ले। हाँ। अब पांच पांच पतियों की जो आस तेरे अंदर जमी हुई थी ना, वो भी खत्म हो चुकी। अच्छा हाँ। कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? नाच करवाना चाहते हैं। अच्छा हाँ। यानी कि आप कहोगे और मैं नाचूंगी? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनिए मेरी बात, तेरे पांचों पति हारे बैठे, पांचों पति हारे बैठे, क्यों इनकी तरफ लखावे से? जितने आज चुप बैठे तेरा काल बढ़िया वैसे। और क्या औकात तेरी तिरिया, फिर क्या औकात तेरी तिरिया, तू हमसे जीव चलावे से। या है भूल तू, या है भूल तू, या है भूल तू, मत करिए गमे जनवर जात में। I'm a